हाय यूट्यूबर, गेस व्हाट, आज मैं पापा बन गया हूँ। तो गाइस, मैं हूँ आदि और गेस व्हाट, आज मैं पापा बन गया, मेरी बेटी हुई है। तो मैं आज बहुत हैप्पी हूँ। अभी नीता ओटी में ही है, तो मैं उनको भी आपसे मुलाकात कराऊंगा। हाय यूट्यूबर, कैसी है? एकदम बिल्कुल बेटी सनक है ना। गाइस, सुबह के 10 बज चुके हैं और आज है 6 जनवरी। तो आज दूसरा दिन है हमारा हॉस्पिटल में। तो आप देख ही सकते हैं कि अभी मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है, क्योंकि कल बहुत थकान हो गई थी, लेकिन बहुत बड़ी खुशी थी, तो जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी पिता बन गया हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी मैं। तो मैंने सोचा कि अभी आपको मैं कुछ देखिए, पूरा अस्त व्यस्त हो रखा मैं यहाँ पर सोया हुआ था। और ये है नोनू। क्या हाल है नोनू के? कल तो बहुत हालत खराब हो गई थी नोनू की। और ये देखिए, जो रात भर छुटकी ने हमें तंग किया था, ये है सो रखी है। देख रही भी आप, बिल्कुल मस्त करके सो रखी है। दिन में, रात में पूरे जगी हुई थी और सबको तंग कर रही थी, सोई नहीं है। और अभी ये भी सुबह 4 या 5 बजे करीब तब से सोई है मस्त करके। इसे कोई मतलब नहीं है, अब कहिए मुझे सोने दो। और नोनू क्या हाल है, कैसा था एक्सपीरियंस? दोनों कुछ बोल नहीं है। और यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हमारी मम्मी है जो कि सो रखी है यहाँ। देखिए बिल्कुल मस्त करके, इनकी नींद पूरी नहीं हो पाई कल रात, रात भर सोई थी। सबसे ज्यादा दीदी ने ले लिए है यहाँ पर। ये देखिए छुटकी का पालना है, जो कि अभी तो हमने ख़रीदा नहीं है, ये हॉस्पिटल में ही है, लेकिन हमने उसको सुलाया नहीं था क्योंकि बहुत ठंड है दिल्ली में इस टाइम पे, और हीटर की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो मैं हूँ हीलिंग हैंड्स जनकपुरी में। तो जैसा कि मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा यहाँ पे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं क्या नीता दोनों ही डरे हुए थे कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने सुनी थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, दिल्ली में या कहीं भी। आप इवन अब तो हमारे जैसे सिटीज़ जो भी हैं वहाँ पे सब यही होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको जनरली सीजीरियन के लिए ही या सर्जरी के लिए रिकमेंड करवाते हैं वो लोग। तो मुझे भी यही डर थी कि नहीं, हमारा जो प्लान था कि हम सोच रहे थे कि नॉर्मली हो, लेकिन लास्ट टाइम पे जब जिस टाइम पे डिलीवरी का टाइम था, उस टाइम में दोनों बहुत डर गई थी। और लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव था, और हमारी जो डॉक्टर थी प्रतिभा गुप्ता मैम है, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी जब यहाँ पिछले 9 महीने से दिखा रहा हूँ, और उससे पहले भी मैंने दोनों को बहुत बार दिखाया था, कभी कोई प्रॉब्लम होती थी गायनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। और देखिए मम्मी क्या हाल है, मम्मी खुश है नहीं अपनी नातिन से, है मम्मी? देखिए मम्मी बिल्कुल बोल नहीं रही है, नींद है अभी भी उनकी आंखों में। और नोनू बड़ी मुश्किल से आज फ़ोन में लगी, क्योंकि कल तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी उनकी, तो कल उनने फ़ोन देखा भी नहीं, शायद कुछ ही मैसेज का रिप्लाई किया। तो आज सुबह से लग जाएंगी लोगों के मैसेज का रिप्लाई करने में। तो जैसा हम बता रहे थे कि प्रतिभा गुप्ता जी मैम है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा मतलब सपोर्टिव मैम है, क्योंकि हम जैसे कि लोग डरे हुए होते हैं, हम भी डरे हुए थे कि भाई लास्ट टाइम पे सबने डराया हुआ था, दोस्तों ने भी, कि लास्ट टाइम पे आपको क्या है कि सीधे कहेंगे कि नहीं नहीं सर्जरी कराइए, और डराएंगे और सीजीरियन के लिए प्रेफर करेंगे, रिकमेंड करेंगे आपको। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ हमारे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी मैम से भी मैं आपको मिलाऊंगा, क्योंकि अभी उनका विजिट होगा 11 बजे करीब। तो मुझे तो बहुत मतलब जैसा कि मैं बहुत डर रहा हुआ था, लेकिन मुझे वैसे भी एक्सपीरियंस तो क्या था, डॉक्टर आप
समझते हैं कि डॉक्टर हमारे भगवान ही होते हैं। सोचिए जब हमको इमरजेंसी में उनकी नीड होती है, तो अगर वो हमें कुछ भी कहेंगे, गलत सही कुछ भी कहेंगे, हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन टच वुड, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा यहाँ पे, और फीस भी इतनी फीस भी नॉमिनल थी, ऐसा नहीं कि फीस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में है तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मल डिलीवरी इतने चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये तो मैं बस अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको, आप डॉक्टर के लिए या हॉस्पिटल के प्रति, क्योंकि आप समझ सकते हैं तो इतना बड़ा डिसीजन होता है इस टाइम पे, नॉर्मल या सीजीरियन। तो जनरली मुझसे आप 90% लोगों ने यही पूछा, जब भी मैं मेरी मतलब डिलीवरी हो गई थी वाइफ की, तो उसके बाद सबने यही पूछा कि जिसका क्वेश्चन था सब यही पूछा नॉर्मल या सीजीरियन, क्योंकि दिल्ली में जनरली सीजीरियन ही लोग प्रेफर करते हैं, डॉक्टर प्रेफर करते हैं, और प्राइवेट में तो बहुत मुश्किल है। तो लास्ट टाइम पे बहुत डरी हुई थी नोनो भी, मैं भी, लेकिन मैम ने कहा कि नहीं नहीं आप, उन्होंने हिम्मत दी बहुत ज़्यादा कि आप, तो बोली थी कि नहीं, उन्होंने कुछ बोलना चाहती है, उन्होंने क्या हाल है। उन्होंने तो लास्ट टाइम पे बिल्कुल ऐसे बोल दिया था कि नहीं मैं तो सीजीरियन ही कराई मैम, पेनलेस कराई, पेनलेस बोला था, मैंने बोला था कि मतलब मैं नॉर्मल ही करा पाऊंगी, हाँ पेनलेस, क्योंकि इनकी मतलब पेन टॉलरेंस की, पेन टॉलरेंस, पेन तो बहुत ज़्यादा होता है जो कि हम अनुमान भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो उन्होंने कोई पता कितना पेन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने देखा इनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैंने सीधे बोल दिया था मैम से कि नहीं मैम पेनलेस कीजिए, लेकिन अगर जैसा कि लोगों का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि प्राइवेट में कि आप भाई डॉक्टर ऐसे ही रिकमेंड करते, नहीं, लेकिन हमारी मैम ने हमें ये कहा कि मैम ने कहा नहीं आप पेनलेस करेंगी तो आपको देखिए पैसे आपके लगने हैं, लेकिन कल परसों आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं ये, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, बेबी पे भी और माँ पे भी। तो इसलिए मैम ने हमसे कहा, बहुत हिम्मत दी, तो हम टच वुड की सब कुछ बढ़िया से रहा। तो अभी तो मैं मैम से आपको मिलाऊंगा, क्योंकि मैम आई नहीं है। तो चलिए, ये देखिए छुटकी है, बिल्कुल मस्त करके सो रखी है, ये रात भर जगी थी और लोगों को तंग किया था, और अभी देखिए बिल्कुल मस्त करके 10 बजे सो रखी है, कोई मतलब ही नहीं है लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, रात को हम सोए थे तो इसने सोने नहीं दिया हमें, अभी नींद किसी की पूरी हुई नहीं है। गाइस ये हैं गायत्री जी, जिनने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ये बहुत ही सपोर्टिव, इनकी वजह से लास्ट मोमेंट में तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा हेल्प इन्हीं ने की। गायत्री जी क्या हाल है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका नोनू के साथ? नहीं, इनने बहुत ज्यादा हेल्प करी हमको, तो लास्ट टाइम पे भाई अगर ये नहीं होती तो नोनू तो बिल्कुल हो गई थी। हाँ बिल्कुल, ये तो है, नहीं मैम भी आएंगी, मैम अभी आएंगी। सो गाइज ये है अपनी गैलरी, ठंड बहुत है बाहर दिल्ली में। ये देख सकते हैं आप मौसम कैसा है बिल्कुल, लेकिन आज फिर भी बहुत मतलब सही मौसम है, आज धूप का आसार लग रहे हैं, कल तो धूप आई थी लेकिन बहुत लेट में आई थी, 2 बजे करीब, अभी तो 11 भी नहीं बजा है, तो मे बी आज 12 बजे तक धूप आ जाएगी। अब देख सकते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब यार मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा है यहाँ पे, जो भी कहूँ, क्योंकि टच वुड की मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो आपके तरह आपके लिए गॉड ही होते हैं, क्योंकि जब क्रिटिकल कंडीशन होती है उस समय अगर आपको डॉक्टर आपको अच्छा ना मिले, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो आता है, सीरियसली आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। अरे छुटकी को उठाओ, बहुत बिगड़ी है। क्यों नहीं मेरी दूर तंग करो, तो तंग दूर से क्यों तो आंगन में बुझा, ये
तो ये है मैम है प्रतिभा मैम, तो ये हमारी डॉक्टर है मैम। कैसा एक्सपीरियंस रहा नोनू के साथ आपका? सपोर्टिव थी? यस यस, नीता हैज बीन अ गुड पेशेंट एंड हिज डॉटर हैज बीन अ वंडरफुल किड टू कम आउट। बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर गए एंड इजी डिलीवरी। अच्छा इसको तो आना चाहिए ना। हाँ, इसको तो आना चाहिए। ये वीडियो में ना हो तो बात क्या है, ये तो लिंक है आपके और मेरे बीच में। हाँ। एक लीटर दूध पीने की कोशिश करना तो दूध अच्छा बनेगा। बच्चे को अपने छाती से बार बार लगाओ तो भी दूध बनता है। गर्म पानी के पिएगी। हाँ, ये भुना हुआ सब्जी का चलो मम्मी पैकिंग हो गई, निकलते हैं। लू आ रही है, आ जा आ जा। बल्ले मेरी गुड़िया के लिए देखो क्या क्या बना है। दिखा दिखा दिखा। अरे आँख तो खोल। अरे वेलकम मोम हो गया इसका। कोई नहीं कोई नहीं। एक बार ऐसे बैठे मैं फोटो खींचूंगा इधर को देख के। मिली छुटकी क्या कर ली है? उठ जा उठ जा। ए ये तो बिल्कुल सोने लगी। है बेबी का ग्रैंड सेलिब्रेशन। क्यूट है, हैं? बात करो उससे, बात करो। कहाँ से बात कर? अरे दद्दा से बात है। स्माइल देख उसकी स्माइल। कितना खुशी है। नींद उसको पूरी है, अभी रात को तंग करेगी।